हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे, तो देख लीजिए। मैंने ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच रखी है, ब्लाउज की चौड़ाई 10.5 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच है, आर्म होल की लंबाई 5.5 इंच है। 2.5 इंच की चौड़ाई देते हुए गले की मार्किंग कर लेते हैं। नीचे के साइड भी 2.5 इंच की चौड़ाई पर मार्क कर दीजिएगा। तो देख लीजिए, मैंने दोनों साइड से मार्किंग ले लिया है। अब एक बराबर लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से। मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब गले की डिज़ाइन के लिए पहले यहाँ से हम कटिंग कर देंगे जैसे मार्क किए हैं। तो मैंने मार्किंग के ऊपर से कट कर दिया है। ब्लाउज़ का कपड़ा लेंगे, इसके बराबर में बिल्कुल ब्लाउज़ के कपड़े को अस्तर के बराबर में रख देते हैं और सेम कटिंग कर देंगे। अब इस पे डिज़ाइन का मार्किंग करेंगे। तो देख लीजिए, पहले अस्तर के कपड़े को साइड करेंगे और डिज़ाइन का मार्क करेंगे। तो आप देखिए मैं कैसे, वीडियो में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे मार्किंग कर रही हूँ। इस तरीके से डिज़ाइन का अच्छे से पूरा मार्क कर दीजिएगा। तो मैंने ये डिज़ाइन का पूरा मार्किंग कर दिया, सेम इसी तरीके से कटिंग कर देंगे। तो जिस तरीके से मैंने मार्किंग किया था, सेम उसी तरीके से अस्तर पे डिज़ाइन की कटिंग कर दिया है। ब्लाउज़ का कपड़ा ले लेंगे, अब दोनों को बिल्कुल बराबर में इसी तरीके से रख देंगे। अब एक सिलाई लगाते हुए अच्छे तरीके से गले को स्टिच करेंगे। तो आप देख लीजिए वीडियो में मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ गले को। डिज़ाइन में सेम ऐसे पूरा गले को स्टिच कर दीजिएगा। तो मैंने देखिए गले की पूरा अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर दिया। इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है डिज़ाइन में, उसको पूरा कट करके निकाल देते हैं। तो मैंने देखिए पूरा एक्स्ट्रा फैब्रिक डिज़ाइन में से कट करके निकाल दिया। इस पे छोटे छोटे कट लगा देंगे, सभी कॉर्नर में अच्छे से कट लगा दीजिएगा। इससे जब डिज़ाइन को पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन सेम उसी तरीके से आएगा जैसे हमने बनाया हुआ है। मैंने ये पूरा कट लगा दिया। अब डिज़ाइन को देखिए पलट कर सीधा कर रहे हैं, ऐसे पलट कर सीधा कर दीजिएगा। ये डिज़ाइन सीधी हो चुकी, इसको बराबर करेंगे और एक सिलाई लगा के इसकी फिनिशिंग की स्टिचिंग कर लेंगे। तो एक साइड से मैंने फिनिशिंग की स्टिचिंग पूरे गले पे कर दिया है। अब इसकी ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बराबर करते हुए साइड से पूरा सिलाई लगा के स्टिचिंग कर देंगे। तो मैंने देखिए ऑल राउंड स्टिचिंग कम्प्लीटली इस पार्ट का कर दिया है। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है। तो दोनों पार्ट मेरी ये कम्प्लीट है। नीचे के साइड से ट्रक्स की स्टिचिंग करेंगे। तो अच्छे से माप लेते हुए दोनों साइड से इसी तरीके से बराबर में ट्रक्स को स्टिच कर लेंगे। तो मैंने दोनों साइड से टक्स स्टिच कर दिया है। नीचे के साइड से इसमें फैब्रिक जॉइंट करेंगे। तो आप देख लीजिए नीचे के साइड से मैं अस्तर का एक पट्टी ले लेती हूँ। बिल्कुल बराबर में इसका बॉर्डर बनाने के लिए स्टिच करेंगे। तो आप वीडियो में देखिए मैं कैसे नीचे का बॉर्डर स्टिच कर रही हूँ, ऐसे कर दीजिएगा। तो मैंने दोनों पार्ट में नीचे का बॉर्डर अच्छे से स्टिच कर दिया है। अब इसको बराबर करके इसकी फिनिशिंग की स्टिचिंग देंगे। तो सेम इसी तरीके से फिनिशिंग की स्टिचिंग दे दीजिएगा। आगे के साइड के फैब्रिक को मैं देखिए थोड़ा सा फोल्ड करते हुए अंदर के साइड स्टिच कर रही हूँ, ऐसे कीजिएगा। तो दोनों साइड से मैंने स्टिचिंग कर दिया है। अब जो मैंने बॉर्डर की पट्टी स्टिच की, इसको डबल फोल्ड करेंगे और ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करते एक सिलाई लगा के इसकी पूरी अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। तो सेम तरीके से मैंने दोनों साइड का बॉर्डर देखिए पूरा बना दिया। ब्लाउज़ देखिए मेरा स्टिच हो चुका है दोनों पार्ट। अब इसके बीच का डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसको साइड करेंगे ब्लाउज़ को, और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये अस्तर जो गले में से कट करके मैंने निकाला था उसको ले लिया है। तो हमारे डिज़ाइन का 5 इंच का आया था और 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्योंकि हमारे डिज़ाइन और स्टिचिंग दोनों का एक्स्ट्रा लेंगे। तो मैंने ये एक्स्ट्रा ले के देखिए मार्क करके कटिंग कर दिया है। अब कपड़ा ले लेंगे, तो ब्लाउज़ का कपड़ा ले लिए, इसी के अकॉर्डिंग कपड़ा भी रखेंगे और एक्स्ट्रा कट करके निकाल देंगे। अब ऊपर साइड से और नीचे के साइड से इसमें देखिए सिलाई लगा के दोनों कपड़ों को ज्वाइंट करते स्टिचिंग कर ऐसे कर दीजिएगा। अब इस डिज़ाइन को पलट कर सीधा कर देंगे। ये सीधा हो चुका है, इसकी फिनिशिंग की स्टिचिंग दे देते हैं दोनों साइड से।
तो मैंने देखे दोनों साइड से फिनिशिंग की स्टिचिंग दे दिया। इस पर डिज़ाइन करने के लिए मैंने कुछ पट्टियाँ कट कर रखी है, दो कलर में है। तो देखिए इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है। इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से और साइड से इसके सिलाई लगाते हुए स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए मैंने डिज़ाइन की पट्टियों को बनाते हुए पूरा साइड से स्टिचिंग कर दिया। इसको कट करके अलग अलग पार्ट में कर लेंगे, पट्टियों को साइड कर देंगे और मैंने ये डिज़ाइन ले लिया। इसके ऊपर इस पट्टियों से डिज़ाइन करेंगे। तो आप देख लीजिए मैं कैसे इसको स्टिच कर रही हूँ। तो पहले मैंने ग्रीन कलर की पट्टी स्टिच कर दी है। इसमें देखिए थोड़ा सा डिज़ाइन की पट्टी को, पहली वाली पट्टी को छोड़ते हुए मैंने रेड कलर की पट्टी स्टिच की है। इस तरीके से हम पूरे पट्टियों को इसी तरीके से डिज़ाइन करेंगे। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ऐसे आप भी कर दीजिएगा। तो जिस तरीके से मैंने आपको इतनी सारी पट्टियाँ स्टिच करके दिखाई ऐसे आप पूरा स्टिचिंग कर दीजिएगा। ब्लास्ट की ये पट्टी स्टिच करेंगे। तो मैंने ये पूरा अच्छे तरीके से स्टिच कर दिया। अब एक एक्स्ट्रा पट्टी लेंगे, इसको पहले हम नीचे के साइड से जॉइंट करेंगे फैब्रिक के साथ में। इस तरीके से स्टिच करेंगे तो नीचे के साइड का बॉर्डर आ जाएगा। इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो कट करके निकाल दीजिए। इसको बराबर में फोल्ड करेंगे, ऊपर के साइड से फिनिशिंग की स्टिचिंग दे देंगे। अब दोनों साइड से डिज़ाइन को हम स्टिच करेंगे। तो आप देख लीजिए मैं कैसे करूँ। इस तरीके से दोनों साइड से स्टिच कर लीजिएगा। इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड से पूरा हम इसको कट करके निकाल देंगे। तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक दोनों साइड से कट करके निकाल दिया। ब्लाउज लेंगे और दोनों पार्ट को जॉइंट करेंगे साइड से। तो एक पार्ट मैंने ले लिया, इसको बराबर में रखेंगे और इस एक सिलाई लगाते हुए पूरा जैसे डिज़ाइन है उसी हिसाब से देखिए मैं सिलाई लगा रही हूँ। ऐसे जॉइंट कर दीजिएगा दोनों पार्ट को सेम ऐसे ही। तो मैंने देखिए दोनों साइड से ब्लाउज को अच्छे तरीके से जॉइंट कर दिया। अब इसको डेकोरेट करेंगे। तो मैंने ये लेस ले लिया है। अब लेस को देखिए गले पे किस तरीके से स्टिच कर रहे हैं। तो जहाँ से भी कॉर्नर आए वहाँ से लेस को फोल्ड करते हुए वी शेप में स्टिच कीजिएगा। जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से पूरे गले पर स्टिच कर देंगे लेस को। तो मैंने देखिए पूरे गले पे लेस की स्टिचिंग कर दिया। नीचे के साइड से भी बिल्कुल बराबर में स्टिच कर देंगे। तो ये लेस एक साइड से हो चुकी है स्टिचिंग, सेम ऐसे दूसरे साइड से भी कर देंगे। तो दोनों साइड से मैंने लेस की स्टिचिंग कर दिया है। मैंने ये डोरी ले ली है, मार्केट की डोरी मैं यूज़ कर रही हूँ। आप हाथों से भी बना के यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे के साइड से देखिए फ्लावर बना रहे हैं। तो मैंने स्क्वायर में फैब्रिक कट किया था, उसको क्रॉस में फोल्डिंग करते हुए देखिए फ्लावर बना रहे हैं। इस तरीके से आप नॉर्मली फ्लावर बना सकते हैं या और कोई फ्लावर बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं डोरी के साथ में। तो मैंने दोनों फ्लावर बना दिए। अब इसको देखिए पलट कर सीधा कर देंगे। अब डोरी को साइड करेंगे और मैंने ब्लाउज़ ले लिया है। ब्लाउज़ के गले पे दोनों साइड से डोरी को स्टिच कर लेते हैं। तो मैंने ये डोरी स्टिच कर दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से हम बांध लेंगे डोरी को। तो मेरा ब्लाउज़ देखिए कंप्लीट हो चुका है। इसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो मैं मार्केट की सो बटन यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने ये पूरा अच्छे तरीके से ब्लाउज़ को डेकोरेट कर दिया है। मेरा ब्लाउज़ देखिए कंप्लीट है। बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन थी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रही है। अगर आपको भी अच्छा लगा हो मेरी ये डिज़ाइन तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ जो ऐसा ही ब्यूटीफुल सिंपल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।